दोस्तों अगर आप भी बस से कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं और आपको महंगी टिकट से आप बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आ गया हूँ जिससे कि आप बहुत ही अच्छे रेट में, बहुत ही सबसे चीप रेट में आप बस बुकिंग कर सकते हैं। और ये देखिए फ्लिक्स बस नाम का एक ऐप है जिसके थ्रू दोस्तों आप बुकिंग कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं आज के निगन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्लिक्स बस ग्लोबल कंपनी है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े देशों में भी इनकी सर्विसेज, बस की सर्विसेज चलती है और इन्होंने फाइनली अब इंडिया में भी अपनी बस को लॉन्च कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा फ्लिक्स बस लिखा हुआ है यहाँ पे बस के ऊपर, और फिर उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस दोस्तों देखने को मिलेगा। ऐसे आप स्क्रॉल करके देखिए कुछ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ के आप ट्रिप ले सकते हैं। जो भी आप टिकट बुक किए रहेंगे दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, वो यहाँ टिकट के सेक्शन में दिखेगा। यहाँ पे कुछ स्टॉप्स हैं, यहाँ पे वो दिखेगा नियर बाई जो भी जब आप ट्रैवल करेंगे, और बाकी आपके सामने यहाँ से देखिए बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत सी सिंपल सा इंटरफेस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूज़ करने वाली नहीं है। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले लोकेशन डाल देते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक के लिए जाना है, डेट डाल देते हैं, फिर देखिए हम किस तरीके से हम बस की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से चलिए सबसे पहले फॉर्म में, सिटी फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ न्यू दिल्ली, और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए 14 की मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे। अगर रिटर्निंग भी बुक करनी है तो यहाँ से हम ऐड रिटर्न डेट पे ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी रिटर्निंग डेट भी लिख सकते हैं, तो हमारी रिटर्निंग टिकट भी बुक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। आपको कितने लोग हैं आपको ये डालना है, तो चलिए यहाँ से हम 2 पीपल्स डाल लेते हैं, और इस टिक के ऑप्शन पे टिक करके सर्च के ऑप्शन पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया सर्च पे, यहाँ पे देखिए 34 रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको बस की टिकट पड़ने वाली है। यहाँ पे मैं आपको देखो दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी इसमें बस है आपको, और क्या क्या आपको पूरी डिटेल दोस्तों देखने को मिलेगी। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं इस बस से, इस यानी कि इस ऐप से या फिर किसी दूसरे ऐप से आपको टिकट यहाँ पे सस्ती ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कुछ ये 4 घंटे का यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 घंटे 50 मिनट में ये ट्रेवल पूरा हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर साउथ बाउंड ड्रॉप करें, गुड़गांव इफ्को चौक से पिकअप है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जयपुर में फिर ड्रॉप कर देगा। ये रात के 1 बजे पिकअप है, यहाँ से अगर आप गुड़गांव से लेते हैं तो सुबह 5 बजे आप जयपुर पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस टाइम पे हमको सुटेबल रहेगा, तो उस हिसाब से हम टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे मोस्ट अफोर्डेबल यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 374 रुपीज़ पर पर्सन की बस है। ठीक है, अब आपको देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि दिल्ली आरके आश्रम फ्लिक्स बस लाउंज से जयपुर यहाँ पे पार्क स्ट्रीट पर छोड़ देगी बस। अब इस बस में हम देखते चलिए कि क्या क्या है, तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबसे पहले दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमको दिखा रहा है कि 6 घंटे में ये हम पहुँच जाएंगे, और कहाँ कहाँ से ये बस हो करके जाएगी, और आपको कहाँ कहाँ इसमें स्टॉप मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फुली एयर कंडीशनर है, चार्जिंग पॉइंट है, आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी ट्रिप को। ठीक है, और तो चलिए यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर सीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से चलिए सीट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर चलिए हम मेल है, सेकंड पहला पूछ रहा है कि पहला पैसेंजर, जैसे कि मैंने 2 पैसेंजर डाला था, तो फर्स्ट पैसेंजर और सेकंड पैसेंजर का जेंडर यहाँ पे पूछ रहा है, तो चलिए मेल डाल देते हैं यहाँ पे, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने सीटें आ रही हैं जो कि आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं ये 2 सीट यहाँ से दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक ये सीट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक, अब 2 पैसेंजर दिखा रहा है, दोनों पैसेंजर के लिए मैंने ऑलरेडी सीट बुक कर ली है। और इसके बाद दोस्तों की सीट का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लगा है सीट बुक करने का, तो यहाँ से आप दोस्तों देखिए 238 रुपीज़ प्लस लगा है हमको सीट यहाँ पे दोस्तों। अब हमको पैसेंजर की डिटेल डालनी है, दोनों पैसेंजर की डिटेल यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर डालना है। फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको ट्रिप की डिटेल व्हाट्सएप पे चाहिए या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज में चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, UPI के थ्रू या फिर कोई भी कार्ड के थ्रू। देखिए नीचे यहाँ से एंटर कूपन का ऑप्शन भी आ रहा है, तो कोई कूपन अगर हो तो यहाँ से आप कूपन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको टोटल प्राइस दिखाएगा कि कितने का आपको पूरा प्राइस ही पड़ने वाला है यहाँ पे। तो देखिए दिल्ली से जयपुर के लिए ये फेयर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, सीट का इतना चार्ज लगा है और 2 लोगों का इतना लगा है, यानी कि 992 रुपीज़ में 2 लोगों का यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए कुछ इस तरीके से आप एक साइड डिटेल फिलअप करके हम अपनी ट्रिप को बुक कर सकते हैं दोस्तों। आप और भी टिकट चेकआउट कर सकते हो, और भी बस में आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप फ्लिक्स बस में टिकट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको बहुत सारी डिटेल्स भी दिखा रही है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फ्लिक्स बस ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है सुझाव तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।